भाई साहब पूरा पैसा वसूल हो चुका है भाई स्टेडियम में आकर के भाई रैना सर 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 भाई एक और यहाँ पर खत्म विकेट आ गया। अरे छह हो गया भाई। देखो यहाँ पर विनिंग टीम आ चुकी है भाई मेरठ मैवरिक्स गाइस। ये देखो भाई यहाँ पर शिकारा को मिल चुकी है गाइस ऑरेंज कैप जिन्होंने इस पूरी लीग में। हे दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला भी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख लो। ये है दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम और आज यहाँ पर खेलने जाने वाला यूपी T20 लीग का फाइनल मैच जो कि हो रहा है दोस्तों मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपर स्टार के बीच में। तो आज का ये मैच होने वाला आज का महामुकाबला गाइस होने वाला है रिंकू सिंह वर्सेस समीर रिजवी के बीच में। तो अभी हम लोग चलेंगे स्टेडियम और गाइस अभी अंदर साइड आप देख रहे हो ना तो अभी मैच मुश्किल से 40 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। अभी 7:20 हो रहे हैं दोस्तों और 7:30 बजे टॉस भी होना है। तो हम वेट कर रहे हैं दोस्तों अपने टिकट का जो कि एक मेरे दोस्त के पास है। तो वो जैसे आते तो हम टिकट लेके अभी चलते हैं अंदर की तरफ। गेट नंबर 4 से हमारी एंट्री होने वाली है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं से शुरू करते हैं भाई। फाइनली हमारा यहाँ पर टिकट आ चुका और अभी 8 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी लगभग 6 ओवर हो भी चुके हैं। अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं और ये देखो भैया कहाँ रह गए थे टिकट लेकर के। यार आज फाइनल है ना, आज भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब ये जाम वगैरह में फंस चुके थे तो इसलिए भाई काफी लेट हो चुका और अभी हाँ आज का पूरा माहौल गाइस यहाँ पर IPL का होने वाला है। तो बस अभी हम लोग 2-4 लोगों को और वेट कर रहे हैं। जैसे वो आ जाते हैं बस गेट नंबर 4 से अपना एंट्री करते हैं भाई। अभी रॉकेट वॉकेट उड़ेंगे, मजा आएगी, फायर क्रैक वगैरह। स्टेडियम में काफी मस्त माहौल होने वाला है। तो आइए बस उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो आ जाते हैं फिर हम लोग चलते हैं स्टेडियम के अंदर और आज का आपको फाइनल का महा मुकाबला दिखाते हैं। फाइनली अभी 8:15 हो रहा है और अब हम गाइस एंट्री कर रहे हैं गाइस स्टेडियम के अंदर। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई 10 ओवर हो चुके हैं अंदर और फिर हम एंट्री कर रहे हैं भाई। अभी तक स्कोर वगैरह भी कुछ नहीं पता बट ऐसा अंदाजा लगा रहे 8 ओवर हो गए भाई। ये देखो भाई ने हमारे बता दिया कि भाई 8 ओवर हो गए, 70+ रन हो चुके। तो आइए फटाक से चलते हैं भाई स्टेडियम के अंदर। लेट तो भाई काफी हो चुका है इनकी चक्कर में। सभी हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम से, हमने एंट्री वगैरह कर ली और जस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है मेरठ मैवरिक्स की बस। तो इसी में भैया रिंकू सिंह बैठ के जाते हो तो आप देख सकते हो ये बस वगैरह। और भाई आज तो पूरी IPL वाली भाई यहाँ पर फील आ गई है क्योंकि जब हम पहला मैच जब यहाँ पर देखने आए हुए थे भाई जो ओपनिंग मैच था उसमें तो भाई बिल्कुल क्राउड नहीं था और इस आज वाले फाइनल मुकाबले में भाई इतना सारा क्राउड देखने को मिल रहा है। देख रहे हो भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है और गाइस सोचिए स्टेडियम में कितनी ज़्यादा पब्लिक हो गई। अभी 40 मिनट हो चुके हैं मैच स्टार्ट हुआ और उससे पहले से पब्लिक यहाँ पर आ रही थी और अभी भी आ रही है और फर्स्ट इवनिंग जब तक समाप्त नहीं होती मतलब सेकेंड इवनिंग स्टार्ट होने से पहले तक एंट्री वगैरह होती रहेगी यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारा क्राउड आज आपको देखने को मिलेगा और भाई स्टेडियम भी काफ़ी जगमगा रहा है गाइस। ये देखिए भाई काफी जगमगा रहा है स्टेडियम। A few moments later. तो भैया फाइनली भैया 8 मिनट की वॉकिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई ईस्ट लोअर ब्लॉक 4 स्टैंड में गाइस। तो फर्स्ट टाइम यहां से शायद देखने वाले हैं, इससे पहले भाई इस स्टैंड में बैठकर मैच नहीं देखा हुआ है। तो भाई ये चेक वैक पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आइए चलते हैं भाई हम लोग अंदर की तरफ। मतलब टिकट वगैरह पहले चेक होता था, अब तो भाई कोई भी आ सकता है क्योंकि आधा मैच आधी इवनिंग फर्स्ट इवनिंग की हो ही चुकी है। मतलब फर्स्ट इवनिंग का आधा मैच हो ही चुका है। तो भैया आइए चलते हैं अभी स्कोर वगैरह देखते हैं क्या और माहौल भाई आज का कैसे होने वाला। भाई आज तो ट्रॉफी वगैरह उठेगी भाई, अभी पटाखे वगैरह देखेंगे, एकदम मजा आने वाली है आज के मैच में। क्या कहते हो, आज मजा आएगी? एकदम एक्साइटेड भाई, फाइनल में तो इतनी भीड़ लग रही है जैसे आईपीएल। हां भाई पूरी ये देखो भाई भाई पूरा स्टेडियम आज जगमगाता हुआ। हाँ भाई ये देखो भाई पूरा स्टेडियम भाई फुल है। तो आइए चलते हैं गाइस अंदर की तरफ। तो आइए दोस्तों चलते हैं भाई स्टेडियम के अंदर और भाई आज का माहौल तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे भाई। मतलब जैसे लग रहा है भाई आज यहाँ पर IPL हो रहा है, ढोल नगाड़े आए हुए हैं भाई। ये देखो यहाँ पर ढोल वगैरह बज रहे हैं और भाई ये देखो भाई यहाँ पर स्टेडियम पूरा फुल हो चुका है भाई, सीटें नहीं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं और मतलब नीचे की तरफ सीटें वगैरह पूरी फुल हो चुकी हैं। तो ऊपर का स्टैंड भी यहाँ पर खोल दिया गया है। तो भाई देखो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ भाई देखने को मिल रही है भाई स्टेडियम में भाई। ये देखो और अभी स्कोर हो चुका है भाई 11 ओवर मतलब 12 ओवर कंप्लीट होने वाले, एक बॉल बची, 111 रन पे 2 विकेट और भाई यहाँ पर समीर रिजवी खेल रहे हैं भाई 17 बॉलों पे 20 रन बनाए हुए हैं। तो ये देखिए भाई इस तरीके का आपको स्टेडियम का भाई माहौल देखने को मिलेगा भाई। ये देखो भाई तो आइए चलते हैं भाई ऊपर के स्टैंड में, कहीं बैठते हैं अपना चिल करते हैं भाई। ये देखो भाई सुरेश रैना यहाँ पर आ रहे हैं भाई।
आ जाओ भाई, दिखाते हैं आपको रैना। सुरेश रैना गाइस ये देखो, जो कि उत्तर प्रदेश T20 लीग के गाइस ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। गाइस ये देखो यहाँ पर सुरेश रैना। रैना सर, रैना सर, रैना सर, रैना सर, रैना 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 सर सर सर। ओ भाई ये देखो यहाँ पर पब्लिक भाई फोटो खींचने के लिए, उनकी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर भाई इकट्ठा हो गई है भाई। तो भाई सभी यहाँ पर सुरेश रैना जा रहे, और भाई ये देखो भाई पूरा जो स्टेडियम है भाई पूरा झूम उठा है, रहना 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 रहना। ये देखो भाई यहाँ पर इस तरीके का हो चुका, और वो भी वहाँ पर जा चुके। तो आइए अब हम भी चलते हैं अपनी सीट पर गाइस। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके अपनी ऊपर वाली सीट है, मतलब सीट तो हम लोग की लोअर स्टैंड की थी, बट हम लोग में मतलब नीचे पूरा भरा हुआ था, तो हमने कहा ऊपर सीट खा लिए। तो आइए ऊपर चलते और ऊपर से इस मैच का नजारा लेते, और भाई यहाँ से स्टेडियम को जो नजारा, और भाई ये देखो चार रन गाइस, चार रन यहाँ पर पड़ चुके हैं भाई। स्टेडियम का माहौल काफी मस्त हो चुका है भाई यहाँ पर, मतलब पूरी की पूरी आईपीएल वाली फील गाइस यहाँ पर आ रही है, पूरी की आईपीएल वाली फील। तो अभी स्कोर हो चुका है दोस्तों 14 ओवर में 128 रन पे 3 विकेट, और भाई समीर रिजवी ने तहलका मचाया हुआ है 32 रन पे, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये देखे यहाँ पर आपको पूरा स्टेडियम भाई भरा हुआ दिखेगा भाई दर्शकों से। भाई ये देखो मतलब पूरी आईपीएल वाली फील आप ले सकते हैं भाई इस यूपी T20 लीग के मैच में। तो भैया यहाँ पर पड़ चुका है एक और छक्का भाई, समीर रिजवी ने मारा हुआ है भाई, और भाई मजा आ रही है मैच देख के। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? अच्छा सेकंड एक्सपीरियंस है। इससे पहले कौन सा मुकाबला देखा है? लखनऊ कानपुर का। अच्छा यूपी T20 लीग ही देखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे भाई लोग भी बैठे हुए जिनके साथ हम मैच का मजा ले रहे हैं, और ये तो भैया अपने लग गए इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने के लिए। अच्छा समीर रिजवी के यहाँ पर गाइस 50 रन पूरे हो चुके हैं भाई, मतलब यहाँ पर बॉलर वगैरह पास में आ गया, हमें लगा क्या हो गया भाई, यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं भाई समीर रिजवी के। तो क्या लगता है सैकड़ा मारेंगे कि नहीं मारेंगे भाई, देखते हैं भाई। और भाई अभी हमें लगा था यहाँ पर हम शतक देखेंगे भाई समीर रिजवी का, लेकिन यहाँ पर बोल्ड आउट हो चुके हैं भाई। यश गर्ग ने यहाँ पर समीर रिजवी को गाइस बोल्ड आउट कर दिया भाई, ये रे गुलजार है भाई। और अब बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं गाइस अभिषेक। पूरा स्टेडियम भाई खामोश हो चुका है भाई, ये देखो पूरा स्टेडियम यहाँ पर भाई खामोश है। तो भाई अभी यहाँ पर लास्ट ओवर चल रहा है, और लास्ट ओवर के ओ 6 रन भाई, लास्ट ओवर में भाई छक्के चौके लग रहे हैं भाई। स्कोर हो चुका है 181 रन भाई, ये देखो पटाखा से विकेट बदला रहे, वापस आ गया भाई स्टेडियम का माहौल भाई कुछ अलग सा। एक और छक्का लग चुका है भाई 181 हो चुके हैं, देखते हैं भाई 200 पहुंचता है कि नहीं। 19 रन चाहिए 4 बॉलों पे, एक और बॉल भाई चार नहीं नहीं पकड़ लेंगे भाई, एक और ओ बे भाई विकेट आ गया भाई, एक और विकेट आ चुका है भैया स्टेडियम में। और ये देखो भाई माहौल मारा है भाई। गाइस फाइनली 190 के स्कोर पर यहाँ पर 20 ओवर समाप्त हो चुके हैं भाई। अब 191 रन चाहिए लखनऊ मैरिस को यूपी की बादशाहत कायम करने के लिए गाइस। अभी यहाँ पर पूरे स्टेडियम की लाइटें बुता दी गई हैं भाई, और यहाँ पर फ्लैश लाइट शो होने लगा है गाइस, ये देखे सबके टॉर्च सेल फोन के ऑन हो चुके हैं, और यहाँ पर स्टेडियम का इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है गाइस। ओ भाई लेजर लेजर शो होने वाला है भाई, ये तो मालूम ही नहीं था भाई, यहाँ पर लेजर शो होने जा रहा भाई काना क्रिकेट स्टेडियम में भाई साहब। तो ओ भाई एक नंबर भाई साहब, पूरा पैसा वसूल हो चुका है भाई स्टेडियम में आकर के भाई, जो एंजॉयमेंट मिल रहा है ना भाई इवनिंग्स ब्रेक्स में, ऐसा मतलब पता ही नहीं था कि भाई ये सब भी होने वाला है भाई स्टेडियम में। और भाई कैसा लग रहा है भाई साहब, मजा आ गई है स्टेडियम में भाई। और भाई लेजर शो देख के कैसा लग रहा, कैसा लग रहा भाई लेजर शो देख के?
जबरदस्त है भाई, मतलब मजा आ गया भाई, ऐसा एक्सपीरियंस देखने को लास्ट टाइम मिला था वर्ल्ड कप में, और आज गाइस ये देखो भाई इस तरीके का हो रहा है भाई, मजा आ गई है भाई। फाइनली यहाँ पर लाइटें ओपन हो चुकी है और भाई मजा आ गई भाई, क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई लेजर लाइट शो का भाई, जय हो भाई, जो गाना बज रहा था ना मतलब। तो भाई अभी हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, और भाई यहाँ पर 3 ओवर 4 बॉल पे 40 रन हो चुके हैं गाइस यहाँ पर मेरठ मैवरिक्स के, तो भाई ऐसा तो लग रहा है भाई यही फाइनल का खिताब जीतेगी और यूपी के बादशाह बन जाएंगे गाइस। तो आइए देखते हैं गाइस कौन जीतता है इस महामुकाबले को गाइस, और आज रिंकू सिंह गाइस नहीं खेल रहे इस लीग के फाइनल मैच। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मैच, और मैच के बीचों बीच यहाँ पर मार धाड़ हो गई है भाई, वो देखो यहाँ पर हम लोग वो पीछे सीटी मार रहा है से गाइस जूम करके देख रहे हैं, यहाँ पर देखो पुलिस ले जा रहा पकड़ के सब आ चुकी, और ये देखिए भाई लोगों को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो भाई ये है भाई 15 प्रो मैक्स का कमाल। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मैच, और मैच के बीचों बीच यहाँ पर मार धाड़ हो गई है भाई, वो देखो यहाँ पर हम लोग पीछे सीटी मार रहा है से गाइस जूम करके देख रहे हैं, यहाँ पर देखो पुलिस ले जा रहा पकड़ के सब आ चुकी, और ये देखिए भाई लोगों को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो भाई ये है भाई 15 प्रो मैक्स का कमाल। तो भाई अभी यहाँ पर भाई चिकारा भाई के हो गए 50 रन भाई, जो फर्स्ट मैच ओपनिंग वाला देखने आए थे उसमें भी 50 मारे थे, और आज भी गाइस 50 मार दिए, और भाई क्या छक्के चौके लगा रहे भाई, मजा आ गई। पिछले 2 ओवर में 3 छक्के गाइस मार चुके हैं, 25 बॉलों पे 50 रन पे यहाँ पर खेल रहे हैं भाई, ये देखो भाई इस तरीके का यहाँ पर छक्का पड़ा है भाई, तब धागा खोल के रख दिए, 8 ओवर में 83 रन हो चुके हैं गाइस। यहाँ पर पूरा मैच भाई कानपुर सुपरस्टार के पक्ष में आ चुका है भाई, लगातार 2 विकेट आ चुके हैं भाई, अभी सिकारा का यहाँ पर विकेट गिरा था, और अभी यहाँ पर ऋतुराज आए हुए तो उनका भी यहाँ पर विकेट गिर चुका है भाई, डिसीजन पेंडिंग चला गया है भाई, देखते हैं भाई आउट होता कि नॉट आउट। और पूरे स्टेडियम में सबसे ज़्यादा खुश हमारा ये भाई, ये पता है आउट हो गया भाई, और ये देखो भाई, ये देखो भाई इसी की बात मैं कर रहा था, ये भाई भाई बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि भाई कानपुर से मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर भाई कानपुर के हाथ में ये मैच जाता हुआ भाई। तो गाइस यूपी के बादशाह बनने के लिए मेरठ मैवरिक्स को 17 गेंदों पे 30 रन चाहिए, तो देखते हैं भाई कौन बनता है यूपी का बादशाह, कानपुर सुपरस्टार या मेरठ मैवरिक्स। तो अंकल जी कौन जीतेगा? मेरठ जीतेगी, अंकल जी का कहना है कि यहाँ पर मेरठ जीतेगी। तो आइए अब 16 गेंदें बची हुई और 29 रन चाहिए, और 16 गेंदों के बाद पता चल जाएगा कि यूपी का बादशाह कौन होता है। तो बॉल वहीं रुक गई, रन आउट का चांस। तो गाइस आपको बता दें यहाँ पर जो आप स्टेडियम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितना क्राउड देख रहे हैं दर्शक वगैरह, तो भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानपुर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक यहाँ पर चौका जाने वाला था, और वहाँ पर कानपुर के हमारे एक फील्डर हैं, तो उन्होंने भाई गेंद को पकड़ लिया और यहाँ पर पूरा ग्राउंड क्लैप करने लगा, तो इसका मतलब भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्टर जो हैं वो भाई कानपुर के हैं, और अभी यहाँ पर 9 बॉलों पे 18 रन चाहिए भाई। खत्म, विकेट आ गया, अरे 6 हो गया भाई, खत्म भैया, मैवरिक्स जीत रही है भाई। यहाँ पर 5 बॉल पे 4 रन चाहिए, और यहाँ पे गाइस सिंगल डबल डबल की नहीं नहीं सिंगल आ गया है गाइस। तो अभी यहाँ पर मेरठ मैवरिक्स को जीतने के लिए 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए, और ग्राउंड का माहौल देख सकते हो भाई, मैवरिक्स मैवरिक्स मैवरिक्स, ओ वाइड बॉल, और यहाँ पर मैच टाई हो चुका है गाइस, ये देखो भाई खुशियों की लहर आ चुकी है, क्योंकि मैच यहाँ पर टाई हो चुका है भाई, और चलते हैं अब यहाँ पर होने वाला है सेलिब्रेशन, तो अब बनेगी एक अच्छी वाली रील, और ब्लॉग अब थोड़ा सा डिले करते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मेरठ मैवरिक्स ने इस मुकाबले को जीत लिया, और बन चुके हैं यूपी के बादशाह गाइस, ये देखो भाई इस तरीके का माहौल हो चुका है स्टेडियम का गाइस, और यहाँ पर मैच ने जीत लिया, और देखते हैं भाई और कौन कौन आता है गाइस यहाँ पर स्टेडियम के अंदर, भाई माहौल तो काफी धुआं धुआं हो चुका है भाई पूरे स्टेडियम का गाइस। ओ भाई ये देखो यहाँ पर टीम आ रही है भाई, विनिंग टीम यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर ट्रॉफी वगैरह भी दी जाएगी, तो वो भी मैं आपको
दिखाऊंगा। बाकी ये देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन होने लगा है भाई, खतरनाक वाला भाई। ये देखो भाई मस्त सेलिब्रेशन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटी जा रही है भाई। ये देखो सामने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटी जा रही है, बट रिंकू सिंह नहीं है भाई यहाँ पर सबसे बड़ी। देखो यहाँ पर विनिंग टीम आ चुकी है भाई, मेरठ मैवरिक्स गाइस। ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बांटी जा रही है भाई। ये देखो भाई यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बांटी जा रही है भाई। ये देखो भाई यहाँ पर अवार्ड वगैरह शुरू हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 12:20 हो रहे हैं गाइस। और अब यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है, तो अभी यहाँ पर जो विनिंग टीम है मेरठ मैवरिक्स उसकी बारी आने वाली है। तो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो सेलिब्रेशन वगैरह होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट क्या है, हाँ बस भाई आने वाले हैं यहाँ पर मेरठ मैवरिक्स यहाँ पर अपना ट्रॉफी। फाइनली अभी यहाँ पर स्वास्तिक चिकारा को मिल चुकी है गाइस ऑरेंज कैप, जिन्होंने इस पूरी लीग में गाइस सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं। तो जस्ट आप सामने की तरफ देख रहे हो ना, जस्ट वहाँ पर उनको यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है, ऑरेंज कैप वगैरह, ऑरेंज कैप वगैरह। जो टीम हारी थी जैसे कानपुर सुपर स्टार, तो उसको यहाँ पर सारे प्लेयर्स को यहाँ पर लाइन से गाइस मेडल दिया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पर हर प्लेयर का नाम अनाउंस करके उनको मेडल वगैरह दिया जा रहा है। तो देखिए भाई बस जैसे मेडल दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर मैवरिक्स को गाइस यहाँ पर ट्रॉफी वगैरह दी जाएगी। तो वो भी दिखाऊंगा भाई आंखों में, भाई इतनी तेज नींद लग रही है ना, क्योंकि 12:30 से ज्यादा हो चुका है। तो गाइस जैसा कि आज के व्लॉग में आपने देखा, यहाँ पर दोस्तों मेरठ मैवरिक्स ने भाई यूपी T20 लीग का फाइनल मुकाबला जीत लिया और फर्स्ट सीजन जीता था दोस्तों काशी रुद्रास ने, और सेकेंड सीजन जीत लिया है दोस्तों मेरठ मैवरिक्स से। बट आज दोस्तों रिंकू सिंह नहीं खेले, तो ये कमी खली गाइस कि स्टेडियम में उनको ट्रॉफी उठाते हुए हम लोग नहीं देख पाए। और अभी ट्रॉफी दी ही जा रही है, अभी ट्रॉफी दी नहीं गई है भाई, इतना टाइम लग रहा था जैसा कि अभी आपने देखा भाई 12:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।